अस्सलामुअलैकुम। चटपटा सा भुना हुआ कलेजी गुर्दा मसाला बहुत आसान रेसिपी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बन जाती है और इतनी सॉफ्ट बनती है कि आपके मुंह में घुल जाएगी। कंप्लीट वीडियो देखिए बिना स्किप करें, क्योंकि बहुत सारे टिप्स इसमें हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कलेजी गुर्दा मसाला फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले एक वेजल या पैन ले लें और इसमें डालिए 5 से 6 टेबलस्पून भर के तेल। तेल इसमें ज्यादा जाएगा। हाई फ्लेम पे तेल अच्छे से गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम करने के बाद इसमें एक बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज डाल दें। तेल गरम हो चुका है, प्याज डाल दें। हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लें, गुलाबी रंग आने तक। ब्राउन ना करें, यानी ज्यादा डार्क रंग ना आने दें। देखिए इतना रंग काफी है। अब इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। डाल के फिर से अच्छे से भूनते जाइए। इसे अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल दें। टमाटर सॉफ्ट होने तक फिर से भूनिए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये मटन मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आधा टीस्पून। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भूनिए। पानी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भूनने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून दही डाल दें। दही डाल के मिक्स करिए, फिर से पका लें दही की कच्ची भू जाने तक। दही डाल के अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालिए 1/4 किलो कलेजी और 1/4 किलो गुर्दा। इस तरह से कट कर लें। इनका जो डार्क कलर है वो जाने के लिए इन दोनों को यानी गुर्दा और कलेजी को 1 लीटर पानी में 4 टेबलस्पून सिरका डाल के इसे मिक्स करके रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए डार्क कलर चला गया है, इस तरह से कलर हो जाएगा। इसे डाल दें। मसालों के साथ कलेजी को अच्छे से भूनिए 4 से 5 मिनट के लिए। कलेजी को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अगर बहुत ज्यादा पकाएंगे तो सख्त हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करिए और पकाते जाइए। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाने के बाद इसमें डालिए 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल दें, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डालिए, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, आधे नींबू का रस, मिक्स कर लें। फिर से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाइए इसे। इसमें पानी तो बहुत ज्यादा है, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ड्राई अगर आपको लग रहा है, यानी अगर आपकी ग्रेवी ड्राई हो गई है, तो थोड़ा सा पानी इस वक्त भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप लिड बंद करके फ्लेम को लो पे रखिए। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाइए। कलेजी अच्छे से गल जाएगी, बहुत ज्यादा ना पकाएं वरना ये सख्त हो जाएगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कलेजी गुर्दा मसाला हमारा रेडी है। गर्मा गर्म इसे खा लें, बहुत मजा आएगा। रोटी के साथ खाइए। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान कलेजी गुर्दा मसाला की रेसिपी, बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई करें इसे।